में, इस महाभारत में मैं विजयी हो गया। परंतु आज स्वयं को हार गया ये वृक्षोत्तर भीम, हार गया ये वृक्षोत्तर भीम। मैंने कहा था ना भीम, यदि किसी ने नियम तोड़कर विजय पाई तो मैं स्वयं उसके प्राण हर लूंगा। तुमने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके त्वंत का नियम तोड़ा है भीम, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म स्थापना के लिए यह आवश्यक था और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने के लिए भी। माधव ने मुझे मार्ग दिखाया, परंतु यदि माधव के ज्येष्ठ मुझे यम के मार्ग पर भेजना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी सच्चा हूं। श्री बलराम। हा बलराम, अंत कर दो इस दुष्ट का, यह हत्यारा है, इसने मेरे 100 पुत्रों की निर्दयता से हत्या की है। जिन पांडवों ने मेरे वंश के वृक्ष की जड़ों को काटा है, काट डालो उनके वंश के वृक्षों को। ये क्या अनर्थ हो गया महादेव, आपके दिए गए वरदान के पश्चात भी ये माता अपने पुत्र अपने दुर्योधन को उस कृष्णा के छल से नहीं बचा पाए। ये कैसा न्याय है आपका? इसने 100 पुत्रों के गर्वित पिता को पुत्रहीन कर दिया, इसने एक अंधे के सभी स्वप्नों को अंधकार में डाल दिया। अंत कर दो इसका, मार डालो इसको अल्दर। यदि मुझे कोई तर्पण करने वाला जीवित नहीं तो इनका तर्पण करने वाला भी शेष नहीं होना चाहिए। एक क्षण रुक जाइए दाऊ। नहीं काना, अब मत रोकना मुझे, अब मैं बंधित नहीं हूं। मैं अधर्म को तो नहीं रोक पाया, परंतु अधर्मी का नाश अवश्य करूंगा। किंतु अधर्म कहां हुआ है दाऊ? भीम ने नियम भंग करते हुए दुर्योधन की जंगा पर प्रहार किया, क्या यह धर्म नहीं? तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है काना, फिर भी तुम मुझसे प्रश्न कर रहे हो? आता हूं, क्योंकि यह प्रश्न उचित है। माना कि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, परंतु गदा युद्ध तो तभी समाप्त हो गया था ताऊ, जब दुर्योधन ने भीम के हाथों से गदा गिरा दिया था। किंतु उसके पश्चात क्रोध के कारण
दुर्योधन निहत्थे भीम पर निरंतर गदा से प्रहार करते रहे। क्या ये उचित था दाऊ? नियम तो दुर्योधन ने तोड़ा था, विकोदर भीम तो केवल आत्मरक्षा का प्रयास किया था, जिसके कारण विकोदर को विवश होकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना पड़ा। और दाऊ, स्मरण रहे, नियमों को भंग करना तो दुर्योधन ने प्रारंभ किया। दाऊ, जब दो योद्धा आपस में युद्ध करते हैं तो वो एक दूसरे को उकसाते हैं, किंतु किसी की कुल वधू का मान मध्य में लाना और उसका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं होता है। दाऊ, आप क्या चाहते थे दाऊ? कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठा। कि दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो जाए और पांचाली को अपनी जंघा पर बैठा। क्या ये नियम होता, क्या ये धर्म होता दाऊ? यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। जो हुआ था वही नियति थी और वही धर्म के हित में की गई नीति था। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस द्वंद्व में आपके समक्ष अधर्म हुआ है तो सारे अधर्म की जड़ मैं होता हूं। तो पहले मेरा संहार कीजिए दाऊ, मैं इस दंड के लिए प्रस्तुत हूं। तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया कान्हा। परंतु निराश मैं अभी भी हूं। भले ही दुर्योधन हार गया परंतु मेरी दृष्टि में आज भी वो मेरे पश्चात संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी रहेगा। Oh,
दुर्योधन के अंत के साथ साथ इस युद्ध का भी अंत हुआ वासुदेव। हम विजयी हुए। धर्म ने आज पुनः अधर्म पर विजयी पा ली। युद्ध समाप्त हो चुका है। चलिए सब शिविर की ओर चलते हैं। युद्ध अभी शेष है धर्मराज।